तो मेरा नाम है मानव प्रहार। आप देख रहे हो अगला वीडियो एन ऑल इन ऑल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एंड्रॉइड ओ, एंड्रॉइड ऑडियो और एंड्रॉइड 8.0 जो लाइनस ओएस के साथ कौन कौन सी डिवाइस में अवेलेबल होगा। लाइनस ओएस की सपोर्ट डिवाइस और रिलीज डेट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ऑसम वीडियो को देखने के लिए। सो प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। दोस्तों मेरे पास जो लिस्ट है हार्डवेयर की कैपेसिटी के ऊपर भित्ति करके मैं इस वीडियो में अंदर बताने वाला हूँ। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। सो अगर लिस्ट के अंदर आपका डिवाइस का नाम नहीं है तो हताश मत होना, निराश मत होना। कोई भी डेवलपर आपके फ़ोन के लिए लाइनस ओएस की रॉम को डेवलप कर सकता है, तो निराश मत होना। आपके फ़ोन अगर पॉपुलर है और हार्डवेयर को सपोर्ट करता है तो आपके फ़ोन के लिए भी लाइनस ओएस 15 अवेलेबल होगा। तो सर्वप्रथम है मेरे पास है गूगल के फ़ोन नेक्सस 5X, नेक्सस 6P, नेक्सस प्लेयर, पिक्सल सी, पिक्सल और पिक्सल XL। उसके बाद दोस्तों है मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन सैमसंग J2, S8, S8 प्लस, J3, J7 प्राइम, नोट 7, S7, A5, नोट 4, नोट 3, S7 Y, Core Prime, S7 Edge, S4, S3, G1, 6S, J2 Alpha, S6 Edge, On 5, On 7, Galaxy Grand, Grand 2, Grand Neo, A9। उसके बाद आता है दोस्तों Motorola का नाम। Motorola के अंदर Motorola 5G, उसके बाद है G2 जो G2 सेकेंड जनरेशन था। उसके बाद है G5 प्लस, Z Play, Z4, Z के बाद है E, Moto G4 प्लस, Moto E सेकेंड जनरेशन, Moto E सेकेंड जनरेशन। उसके बाद है Moto Max 2, Moto Turbo। उसके बाद आता है दोस्तों Lenovo का नाम। Lenovo के अंदर K4 नोट, K3 नोट, A6000, A6000 प्लस, K5 नोट, K7000 टर्बो, K Zug Z2, उसके बाद है Zug Z1, K4 नोट, K5 नोट, K5, Lenovo Vibe X3 और Lenovo Vibe 2। उसके बाद आता है दोस्तों Xiaomi के नाम। Redmi 1S, Redmi Note 3, Redmi 2, Redmi Note 3G, Redmi Note 4G, Redmi Note 4, Mi 3W, Mi 4i, Redmi Note 2, Mi 5, Mi Max, Redmi 3S, Redmi 3S Prime, Mi 3, Mi Note, Mi 4A और Redmi Prime। उसके बाद आता है OnePlus का फ़ोन OnePlus 1, OnePlus 3T, OnePlus 2, OnePlus 3 और जो जो OnePlus की फ़ोन है सभी में अपडेट आएगा। Oppo फ़ोन के बात करते हैं। Oppo में F1, F1S, F1 Plus, F3 Plus और R9। उसके बाद आता है दोस्तों LG का जो Nexus 5X है उसमें तो आएगा ही G6, G4, G5, G3 और V20। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं माइक्रोमैक्स फ़ोन में। माइक्रोमैक्स Duel 5 जो अभी लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले। यूनाइटेड 2, कैनवास 2 कलर्स, कैनवास सेल्फी, कैनवास 2, कैनवास 4, कैनवास फायर 2, स्पार्क 2, स्पार्क 3, यूनाइटेड 4, यूनाइटेड 6, यूनाइटेड 6 प्रो, नाइट और गोल्ड। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूरो का प्लस, यू नोट, यूटोपिया और यूटोपिया जो भी है। उसके बाद बात करते हैं ली फोन की, ली को ली 1S, ली मैक्स 2, ली 2 प्रो, ली मैक्स और ली 2 के अंदर। दोस्तों वीवो फोन की बात करते हैं वीवो V5 प्लस, वीवो V5, Y51, V3, Y55S, V3 Max और V3 Lite। उसके बाद दोस्तों HTC फोन की बात करते हैं HTC One M10, HTC One M9 Plus, HTC One E9 Plus और HTC One X9। लावा फोन की बात करते हैं दोस्तों लावा आईरिस V5 X8 Pixel V1 जो सेकेंड जनरेशन फोन था मेरे हिसाब से, V6 X10 Pixel V2। सोनी पर की बात करते हैं दोस्तों सोनी Xperia Z5, Xperia M5, Xperia M4, उसके बाद है S5 Ultra, C4, Z4, Z5 Ultra। उसके बाद दोस्तों Asus फोन की बात करते हैं Asus Zenfone 3, Zenfone 5, Zenfone 3 Deluxe और Zenfone Max। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है, लाइनस और OFC तरफ से ये मेरे एक्सपेक्टेशन वीडियो है। और इस वीडियो में जो जो डिवाइस का मैंने नाम बताया हूँ एक एक्सपर्ट करता हूँ इस फोन के अंदर एंड्रॉयड ओ का अपडेट आएगा
ये हार्डवेयर की कैपेसिटी के ऊपर भित्ति करके वीडियो में जो जो डिवाइस का नाम मैं बताया हूँ। आप निराश मत होना अगर आपका फ़ोन का नाम इस वीडियो के अंदर नहीं है। आपके लिए जो डेवलपर है वो अनऑफिशियल बिल्ड तैयार होगा एंड्रॉयड ओ के लिए। तो अगर आप समझते हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। सी द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।